बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी करी है खुद का रिकॉर्ड साफ करने के लिए। शिकायत मैंने न्यायालय के थ्रू भेजा है सिविल लाइन थाने में अभी, तो आज मैं उसी के दस्तावेज प्रस्तुत करने आया हूँ। मैं इनसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी शिकायत जल्द से जल्द स्वीकार करें और उस बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज अ JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। बैंक ऑफ बड़ौदा की वैशाली नगर शाखा प्रबंधक प्रीतम कुमार सेठी के खिलाफ इस्तगासे पर धोखाधड़ी का मामला। परिवादी दीदार चौहान ने ARG सिटी में एक साल पहले फ्लैट खरीदने के बाद अभी तक पोजीशन नहीं देने का लगाया आरोप। परिवादी जॉन्सगंज निवासी दीदार चौहान ने 25 मार्च 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा वैशाली नगर ब्रांच द्वारा किए गए ऑक्शन में ARG सिटी में एक फ्लैट खरीदा था। 26 लाख रुपए के फ्लैट के लिए माखूपुरा ब्रांच ने फाइनेंस किया और वैशाली नगर ब्रांच ने ऑक्शन किया, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद बराबर लोन की किस्तें तो कट रही हैं, लेकिन उसे फ्लैट के पोजीशन पेपर अभी तक नहीं मिले। इस मामले में परिवादी दीदार चौहान बार बार वैशाली नगर ब्रांच के चक्कर लगाता रहा, जहां मौजूद मैनेजर प्रीतम कुमार सेठी उसे हर 5-7 दिन में पोजीशन देने का वादा करके बरगला रहे हैं। लगातार 1.5 साल से इसी तरह चक्कर काट रहे परिवादी के सब्र का बांध टूट गया और उसने न्यायालय में शाखा प्रबंधक प्रीतम कुमार सेठी के खिलाफ इस्तगासा दायर किया। इस मामले में सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने परिवादी से कागजात मंगवाकर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला बैंक ऑफ बड़ौदा वैशाली नगर ब्रांच ने एक ऑक्शन किया था 25 मार्च 2020 को, जिसमें मैंने एक फ्लैट परचेज किया था ARG सिटी का। तो वो फ्लैट का पोजीशन मेरे को आज तक नहीं मिला है। पूरा पैसा इनके नियम अनुसार मैंने जमा करा दिया है, किस्तें मेरी बराबर कट रही है। एक ब्रांच ने मुझे फाइनेंस करा माखूपुरा वाली ने और ऑक्शन करा वैशाली नगर ब्रांच ने। तो ये मामला ये है कि मैं 1-1.5 साल से पूरे मैनेजर के पास जा रहा हूँ, वैशाली नगर ब्रांच के प्रीतम सेठी नाम से कोई मैनेजर है उनसे मिल रहा हूँ। वो मेरे को जब भी जाता हूँ 5-7 दिन का ऐसे दिलासा देके वापस भेज देते हैं। उन्होंने ये जानबूझकर, जब उनको पता था अगर ARG सिटी का कोई पैसा बाकी है, मुझे तो पता भी नहीं है ना, वो मुझे बता रहे, लेकिन मुझे मालूम चला ऐसा भी सिस्टम होता है। इन्होंने कहीं भी ऑक्शन के समय कहीं भी नहीं बताया कि अन्य भी चार्जेस होंगे या कुछ होंगे। इन्होंने केवल अपने आपका जो करियर का रिकॉर्ड है उसको साफ करने के लिए इन्होंने ये ऑक्शन निकाल दिया, ताकि इनके ऊपर से जो इनका खाता NPO रखा था शहजाद खान का, वो इनका खाता सही हो जाए, इनका पैसे आ जाए और इनको मुझे फ्लैट नहीं दिया है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला मुझे। अच्छा, आपकी बातें होती है तो क्या बोलते हैं? 5-7 दिन रुको, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, मैं आपको आगे होकर फ़ोन करूँगा। 1 साल से मुझे ये बात कही जा रही है, जिसके पास मेरे पास सबूत भी है उस चीज़ के कि उन्होंने आगे होकर आज तक मुझे एक भी कॉल नहीं करा। अभी उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ से मेरा माखूपुरा से फाइनेंस हुआ था ना, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया है कि अगर आप पोजीशन लेटर नहीं लाते तो आपको 2% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक ब्रांच ने मुझे ऑक्शन किया जिसने मुझे पोजीशन नहीं दिया है, एक ब्रांच ने मुझे फाइनेंस किया है, वो पोजीशन लेटर मांग रही है और कह रही है 2% की आपको पेनल्टी लगेगी। तो मैं कहाँ से लाऊंगा पोजीशन लेटर? जो प्रीतम सेठी नाम के जो मैनेजर साहब हैं, वो रोज़ हमको बस यही बोलते हैं 5 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। उनका क्या रिटायरमेंट है? तो उन्होंने अपना खाता स्वाप करने के लिए, इनकी कोई होते होंगे नॉर्म्स जिनमें कभी आपने जिसको फाइनेंस दिया है कुछ करा था उसके आप खाते के पैसे जमा कराओ, वो इनकी जिम्मेदारी बनती होगी। इसलिए इनका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा था, इन्होंने मुझे फ्लैट बेच दिया, फ्लैट बेच के पोजीशन दे नहीं रहे। कितने रुपए का मामला है? 26 लाख रुपए का मामला है और मुझे पता है कि और भी ऐसे लोग होंगे जो सामने आएंगे मेरे आने के बाद में, जिनके साथ इस बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी करी है खुद का रिकॉर्ड साफ करने के लिए। शिकायत मैंने न्यायालय के थ्रू भेजा है सिविल लाइन थाने में अभी, तो आज मैं उसी के दस्तावेज प्रस्तुत करने आया हूँ। मैं इनसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी शिकायत जल्द से जल्द स्वीकार करें और उस बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करें।